गिफ्ट टू पाकिस्तान। तो दोस्तों, योयो हनी सिंह का एक नया इंटरव्यू सामने आया है जो कि सज्जाद जानी के साथ आया है। दोस्तों, सज्जाद जानी पहुंचे थे योयो हनी सिंह के घर और वहां उन्होंने योयो हनी सिंह के साथ बहुत मजाक मस्ती की, बहुत फनी सेशन रखा था। और ये सेशन देख के मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा क्योंकि सज्जाद जानी एक पाकिस्तानी है और योयो हनी सिंह के बचपन के दोस्त हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इस इंटरव्यू की छोटी छोटी क्लिप्स दिखाने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना योयो हनी सिंह, आप देख रहे हैं सज्जाद जानी ऑफिशियल और मेरे साथ है मेरे फेवरेट सज्जाद जानी। मेरे बचपन के दोस्त ने 25 साल होता है ना, तो पूछ लो, मैं शुरू तो इन्हों नाल भी इदा ही सीगा, अज भी इदा ही है, शुरू तो इदा ही है। मैं नाले कभी सोचता नहीं लाइफ से की देख लिया की नहीं देख लिया, की जी लिया, की कामयाब हो गए नहीं हो, मैं सोचता नहीं, मैं सिर्फ अपने हर डे नू इंजॉय करता। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब सज्जाद जानी हनी पाजी के घर से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने हनी पाजी की बहुत ज्यादा तारीफ की, तो आप वो भी देख लो। ओए होए नाजरीन, यार इन्ना प्यारा बंदा, यार यार इन्ना डाउन टू अर्थ, इन्ना प्यारा यार है। और उठ के मिले, और यार कसमें मैं ओ इंज आए ने मेनू मिलने जिवे ओ मेरे फैन ने, कसमें इस तरह आए ने यार, वाह वाह वाह। और आप अग्गे हो गए गले मिलके बिस्मिल्लाह, ये वो कुछ बहुत घट लोग होते हैं नाजरीन, बहुत कम लोग होते हैं जिनसे मिलने के बाद वो आपके साथ ही आ जाते हैं, समझ रहे हैं बात। यानी एक शेर है, उस शख्स को तो बिछड़ने का सलीका भी ना आया, जाते हुए खुद को मेरे पास ही छोड़ गया। यानी मैं इंज लग रहा है कि मैं अपना आप उतें छड़ आया और इंज लग रहा है कि हनी भाजी नू नाल लै आया। इन्ना प्यार, वो इन्ने मज़ेदार बंदे ने, तुहाडे सामने तुसीं देख ही लिया, मैं इमोशनल जिहा हो गया यार कसमें। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।